ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 3। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन वर्तमी वर्तनी वर्तमनी। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते कर पाते, अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यहाँ भगवान एक तरह से बहुत क्लियर कर रहे हैं कि एक ही तरीका है वास्तविकता में अल्टीमेटली भगवान के धाम में जाने का। टेम्परेरी कई सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं। टेम्परेरीली आप लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, ब्रह्म लोक में जा सकते हैं, ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर इससे परमानेंटली छूटना है तो बता रहे हैं कि मुझमें मेरी भक्ति में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। यही एक तरीका है, वे ही मुझे प्राप्त कर पाएगा। और कोई अथा वो इस भौतिक जगत में जन्म के बाद पर वापस आते रहते हैं। जो लोग श्रद्धा नहीं रखते, बेसिकली ये नेगेटिव स्टेटमेंट ही दी जा रही है, यानी उल्टा हम समझ सकते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं वही जा सकते हैं और जो श्रद्धा नहीं रख सकते वो नहीं जा सकते। श्रद्धा के बारे में श्रील प्रभुपाद ने यह बताया कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया कि श्रद्धा यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण ही की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो परमेश्वर, इसका मतलब श्री कृष्ण है, इस पर पूरी श्रद्धा, और उनकी सेवा करने से ही सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हाँ, यही वास्तविक श्रद्धा है ऐसा बताया जा रहा है। जहाँ पर कोई भी बीच में और कुछ नहीं है, अनन्य भक्ति इसको कह सकते हैं, माम एकम शरण व्रत कह सकते हैं, अल्टीमेट एक ही को शरणागति होना, यही वास्तविक श्रद्धा है, उन्हीं की सेवा करना निरंतर। और भी इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि भागवतम में बताया गया कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें टहनियाँ पत्तियाँ सब तुष्ट हो जाती हैं, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियाँ तृप्त हो जाती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भागवतम से लिया गया, कैसे हम लोग पेट को खाना खिलाते हैं लेकिन तभी सारे शरीर में शक्ति आती है। ऐसा पेट हम कोई ऐसा उनमें आपस में सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, पैर हाथ कभी ये नहीं बोलते कि हमें खाना दिया जाए, मेहनत तो हम करते हैं खा जाता है पेट, क्योंकि पेट ही वो सारी सप्लाई करता है। उसी तरह से अगर हम बोलें कि हम भगवान की सेवा क्यों करें, क्योंकि भगवान की सेवा करने से ही जीव प्रसन्न हो सकता है, सारा संसार प्रसन्न हो सकता है। जैसे कि पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ में तुष्टि मिलती है। अतः गीता पढ़ने के बाद बता रहे हैं कि मनुष्य को यह मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो जाए। कौन से निष्कर्ष को? कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान की कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, इस निष्कर्ष को प्राप्त हो जाए। तो गीता का निष्कर्ष ये है, गीता का निष्कर्ष ये नहीं है क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा तो पैदा होती है ना मरती है, तुम्हारा क्या था जो चला गया, तुम क्या लाए थे जो खो गया, इत्यादि इत्यादि। ये आंशिक ज्ञान है, वास्तव में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। संपूर्ण ज्ञान इससे ज़्यादा है, आत्मा से ज़्यादा का है। हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद बातें बड़े ही स्पष्ट शब्दों बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या है निष्कर्ष, अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आप ध्यान रखिए, हम बाकी सारे कार्य भी अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। हम अपनी संतान को भी प्रसन्न इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम उसके लिए खाना पकाना या नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है ना। तो अल्टीमेटली दैट इज़ वो मेरे से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो हम अपने को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं, लेकिन अभी अभी हमने सुना यदि हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो हम तभी प्रसन्न हो पाएंगे, तभी सारा संसार प्रसन्न होंगे। जैसे कि पेड़ की जड़ को अगर पानी देंगे तभी पेड़ में जाएगा, तो उस तरीके से समझना पड़ेगा इसको। इसमें एनवियसनेस और ईर्ष्या नहीं हो जानी चाहिए। कृष्ण वाई एवरीथिंग फॉर कृष्ण, मेरा कुछ नहीं है, मैंने इतनी मेहनत करी है उसका क्या इत्यादि। तो ये निष्कर्ष है गीता का कि अन्य सारे कार्य छोड़कर। अभी अन्य कार्य छोड़कर का करना मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ग्रस्त लोग सारे कार्य छोड़ जाएं और सड़कों पे आगे भीख मांगे। ग्रस्त लोग, हम लोग भीख मांगते हैं कृष्ण के लिए, उसके मंदिरों के लिए भीख मांगते हैं,
लेकिन अपने लिए नहीं मांगते हैं, भगवान के लिए मांगते हैं। अपने लिए हम अपना कार्य करते हैं तो हमें उतना ही कार्य करना चाहिए जिससे हमारे ये मेन ऑब्जेक्टिव कहीं हट ना जाए। हाँ, जैसे कि हम नौकरी करने के लिए घर नहीं चलाते, घर चलाने के लिए नौकरी करते हैं, राइट। तो अगर नौकरी करने में आदमी इतना व्यस्त हो जाए कि वो घर में ही कुछ ना कर पाए, कुछ भी योगदान ना दे पा रहा हो, घर चल ही ना पा रहा हो, तो गड़बड़ जाइए ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसी के लिए कर रहा था। तो मेन पर्पस नौकरी करने का ये था कि कैसे परिवार की तुष्टि करी जा सके। हाँ, नौकरी करना मेन पर्पस नहीं था। उसी तरह से हम लोग भी जब इस बात को समझ जाते हैं कि इससे भी ऊपर उठते हैं कि परिवार के लिए नहीं करना है, जो भी करना है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के लिए करना है, और ये परिवार को चलाना भी इज वन ऑफ माई ड्यूटी विच आई हैव टू फुलफिल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जिस प्रकार से इसको निभाना है उसी प्रकार से करा जाए। हाँ, तो ये इसमें बता रहे हैं कि अन्य कार्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। देखिए, श्रद्धा कोई सस्ता शब्द नहीं है, ये शब्द चल रहा है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो श्रद्धा विहीन है वो भक्ति, हाँ, भक्ति में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए जन्म मृत्यु में लगातार चलता रहेगा। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बताया, और उससे पहले हमने सुना कि ये पूर्ण विश्वास कि परमेश्वर कृष्ण की सेवा से ही सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है कृष्ण की सेवा से। और दूसरा हमने सुना कि अन्य कार्य सारे कार्य छोड़कर केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। यदि इस जीवन दर्शन, इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है, इसको श्रद्धा कहते हैं। ये है। अभी श्रद्धा का विकास कैसे होता है? इस श्रद्धा का विकास होता है भक्तों की संगति से, प्रभुपाद कह रहे हैं। ये आती ऐसी है, जब हम उनकी श्रद्धा देखते हैं तब हमें विश्वास होता है, हाँ इट इज पॉसिबल, है ना। अकेले बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अकेले ही चल पड़े, जैसे श्रील प्रभुपाद थे, अकेले ही चल पड़े, उन्हें इतना श्रद्धा हो गई, हालांकि वो भी उन्हें अपने गुरु महाराज से ही मिली, लेकिन फिर भी भक्तों का इतना संघ, इतना बड़ा संघ नहीं था जितना अब है। तो इसके लिए हमें, हम देखते हैं दूसरे को करते हुए, तब हमें लगता है अच्छा ऐसे गुरुकुल में पढ़ाई कराई जा सकती है, वो अच्छा चलो सब ने डाल दिया तो मैं भी डाल देता हूँ। लेकिन कोई पहले डालने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। कौन पहले आएगा? वो तो बहुत ही श्रद्धा वाला व्यक्ति आएगा जो पहले आएगा। बाद में जब सब कुछ ठीक दिखने लग जाएगा तब लोग करेंगे। हाँ, कोई घर शिफ्ट नहीं करेगा अपना बहुत बढ़िया बढ़िया जगहों से, ऐसी जगहों में जब भक्त रहते हैं, और ख़ास तौर पर बहुत अच्छे अच्छे मेट्रोपॉलिटन को छोड़ के कोई सब अर्बन जगह में नहीं आएगा। हाँ, वही आएगा जिसके अंदर श्रद्धा है। लेकिन बाद में जब इतना बढ़िया दिखने लग जाएगा तो बहुत सारे लोग आने लग जाएंगे। हाँ, तो ये है श्रद्धा, इसी श्रद्धा का तरीका यही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम देखते हैं कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो कर सकते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास आता है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हमारी श्रद्धा वास्तव में कोमल श्रद्धा है, वो बढ़ती ही दूसरों की स्ट्रांग श्रद्धा को देखकर। इसलिए हमें जो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनकी श्रद्धा बड़ी स्ट्रांग है, अनडेविएटेड है इन्हीं बातों पर कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई कार्य जिंदगी में जरूरी नहीं है वास्तव में। हाँ, इस श्रद्धा का विकास ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों को तीन बता रहे हैं, तीन श्रद्धा के हिसाब से तीन कोटियां बना सकते हैं डिवोटीज की, केवल श्रद्धा के आधार पर। इतना इंपॉर्टेंट विषय है। हाँ, सबसे कम श्रद्धा जिसकी है, लगभग श्रद्धा विहीन है, लेकिन भगवान का भक्त है, कृष्ण भावनामृत लोगों की बात बता रहे हैं, डिवोटी तो है लेकिन श्रद्धा टूटी फूटी श्रद्धा है, ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं। हाँ, तो इन भक्तों का खतरा है इनके अंदर कि वो बहुत ही जल्दी इट्स पॉसिबल कि भक्ति से हट जाए। कोई भी स्लाइटेस्ट कोई प्रॉब्लम आएगी जीवन में, भक्ति छोड़ देंगे। कोई किसी कोई टोक देगा, क्यों करते हो तुम ये सब, क्या मिल रहा है तुम्हें, हाँ ये देखो हमें, देखो हम इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा क्योंकि बड़ी कमज़ोर है, उसने कभी गीता भागवतम किसी गुरु के माध्यम से कभी सुनी नहीं, गुरु परंपरा में सुनी नहीं, भक्तों के समय कभी आया नहीं, पता नहीं क्यों हृदय में थोड़ा सा रुझान है भगवान की तरफ, भक्त है, मंदिर चला जाता है, प्रणाम कर लेता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर टेस्टिंग टाइम पे वो व्यक्ति चला जाएगा, छूट जाएगा, उसकी श्रद्धा बहुत ही कोमल है और कोमल श्रद्धा टूट जाएगी। कई लोग भक्ति में आते हैं, कई बार किसी कार्य से आते हैं, कुछ काम नहीं बन रहा है, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग जुड़े हमने देखा, बहुत, और अब तक उनमें से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग अब वो फिर से बिजी हो गए हैं, और दे वर वेरी सीरियस ड्यूरिंग दैट वन और टू ईयर्स, वो बहुत सीरियस हो गए थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त लाइफ में बहुत टेंशन थी और डिप्रेशन था, और यहाँ पर कृष्ण भावनामृत प्रवचन को सुनकर उनको एक जीवन की शक्ति मिली। हम तो इतने ही प्रसन्न हैं कि कम से कम उनके जीवन में कहीं तो कृष्ण आए, एक दो साल के लिए आए चाहे, अब वो स्ट्रांग भक्ति नहीं भी कर पा रहे हैं तो।
लेकिन अब वो चले गए इस विधि को त्याग कर। तो ये है कोमल श्रद्धा। तो इसको बढ़ाना है तो भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, नहीं तो ये चली जाएगी 100%। कृष्ण भावामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। हाँ, और उसके बाद में बता रहे हैं दूसरे एक और लेवल का व्यक्ति जो भक्ति साहित्य में निपुण है और दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह प्रथम कोटि का व्यक्ति भक्ति के साहित्यों में निपुण है, साहित्यों में निपुण है और दृढ़ श्रद्धा है, वह प्रथम कोटि है। यानी कि शास्त्रों को जानता है, शास्त्रों को कोट कर सकता है, किसी को शास्त्रों के आधार पर समझा सकता है, कन्विंस कर सकता है, और उसकी श्रद्धा भी अटूट है, तो वह प्रथम कोटि का व्यक्ति है। और दूसरी कोटि में वो आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लेकिन उनकी श्रद्धा बड़ी ज़बरदस्त है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है कि वो शास्त्रों को कोट कर सकें। हाँ, कोई उनसे पूछता है तो कई बार वो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन मन उनका करता है कि मुंह तोड़ दिया जाए लेकिन जवाब नहीं दे पाते शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण, लेकिन श्रद्धा इतनी ज़बरदस्त है कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता, वो है द्वितीय कोटि के। ठीक है, तो इस प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान जब उसमें ऐड हो जाता है तो वही व्यक्ति प्रथम कोटि का बन जाता है। तो श्रद्धा के आधार पर इस प्रकार से हम तीन कोटि बना सकते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से कभी भी गिर सकते हैं, हमने सुना। द्वितीय कोटि गिरते नहीं है और प्रथम कोटि के लोग तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अपना फल प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रथम कैटेगरी में हमें आने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कम से कम द्वितीय कोटि में तो आना ही चाहिए। हाँ, द्वितीय कोटि का मतलब है, और मैं आपको बताऊं कि यदि आप बार बार शास्त्रों को सुनते रहेंगे ना बार बार, तो सुनने मात्र से आप दूसरे को बता पाओगे। हाँ, क्या बता पाओगे? हाँ जी, हमने सुना है हरे नाम हरे नाम। वो क्या है श्लोक याद नहीं आ रहा, हो सकता है क्योंकि इतना दिमाग नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 गति नास्ता, ये श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने सुना है जी, बिल्कुल सुना है कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही है केवल जो इस कलयुग में पार कर सकता है, ऐसा लिखा गया है। भागवत में हमने सुना है कि इस कलयुग में बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन हरि का नाम ही एकमात्र वस्तु है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकती है, हमने सुना है। इस प्रकार से बोल सकते हैं वो। हाँ, तो शास्त्रों को एज इट इज संस्कृत के श्लोक कोट करना शायद ना बोल पाए, लेकिन उनकी श्रद्धा अटूट है। हाँ, तो कम से कम इस लेवल पे तो हम सबको आने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तृतीय लेवल पे जो कि ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहे हैं। हाँ, जो भक्ति गीता शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं, किसी गुरु के अंडर नहीं आ रहे हैं। तृतीय कैटेगरी का व्यक्ति वही होता है जो किसी परंपरा या किसी गुरु के संरक्षण में नहीं रहना चाहता है, वो हमेशा हल्का फुल्का भक्त रहता है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो मंदिर में आते हैं, सालों से आ रहे हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं, आज भी उसी पैंट कमीज में उसी तरीके से आते हैं। लोग आए पैंट कमीज से, टी शर्ट जीन्स से, धीरे धीरे धोती कुर्ता पे आ गए, तिलक पे आ गए, दीक्षा हो गई, और वो व्यक्ति वैसे का वैसा ही है क्योंकि उसको कभी भी किसी के अंडर रहने का मन नहीं किया, इसलिए उसकी कोमल श्रद्धा की कोमल ही रहेगी। उसने भक्तों का संग नहीं किया, उसने ऐसे लोगों का संग नहीं किया जिनकी श्रद्धा अटूट है, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पाए, और ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। दुख की बात यह है कि वो कृष्ण भावनामृत से नीचे गिर सकते हैं किसी के द्वारा विचलित किए जाने पर। तो इससे पहले कि हमें कोई विचलित करे, हमें अपनी श्रद्धा को अटूट बनाना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता की जय।